अरे आ गया दोस्तों, अगर हमको अपने पुराने वीडियोस में व्यू चाहिए तो हम अपने नए वीडियो में बहुत सारे आइकन लगाते हैं और वीडियो के खत्म होते ही एंड स्क्रीन लगाते हैं। एंड स्क्रीन में अपना पुराना वीडियो का लिंक शो करता है और आइकन में भी शो करता है, उससे क्या होता है कि पुराने वीडियोस पे भी व्यूज आ जाते हैं। दोस्तों आपने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा होगा, वो आपको बताते रहते हैं आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। इवन मैं भी अपने वीडियो में बताता रहता हूँ आपको ऊपर के आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। तो आई बटन में मेरा वीडियो का लिंक आता कैसे, उसको कैसे सेट करते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूँ सभी का यूट्यूब टॉक्स के एक और फ्रेश एपिसोड में। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में अपना जो YouTube लॉगिन कर लेना है और डेस्कटॉप मोड पे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो डैशबोर्ड वीडियो मैनेजर वीडियोस, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक वीडियो को एडिट करूंगा और यहाँ पे आइकन लगाऊंगा। ये देखिए मैं अपने फर्स्ट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ और एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। दोस्तों एडिट के ऊपर क्लिक करते ये लोड हो रहा है, तो ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इन्फॉर्मेशन सेटिंग्स अनाउंसमेंट ऑडियो एंड स्क्रीन आईकार्ड्स, तो हमें सिंपली आईकार्ड्स के ऊपर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे आईकार्ड के ऊपर क्लिक कर दिया। दोस्तों आईकार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए लोड हो रहा है। लोड होने के बाद यहाँ पे हम कुछ आईकार्ड लगाएंगे, यानी कि दूसरे वीडियोस के लिंक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हम जगह जगह पे लगा देंगे। देखिए नीचे जो आ रहा है आपका इंटरफेस जैसा आ रहा है, आप कौन से पेज में लगाना चाहते हो, जैसे 30 सेकंड में या फिर 1 मिनट में, ऐसे आप चेंजेस कर करके लगा सकते हो। द रेफरल लिंक, बट ये रेफर करने से, तो मैंने इसको सिंपली पॉज कर दिया है और मैं ऐड कार्ड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ऐड कार्ड के ऊपर क्लिक करते देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन हमको सिंपली वीडियो और प्लेलिस्ट के ऊपर जाना है। वीडियो और प्लेलिस्ट के ऊपर जाते ही यहाँ पे मेरे बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ से एक ही वीडियो लगा, दो तीन वीडियो लगाऊंगा जो कि कैशबैक टिप्स के ऊपर है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे, ये देखिए अमेजन पे में इतना पैसा, इस वीडियो को मैं लगाऊंगा। और एक वीडियो लगा देते हैं, फ्लिपकार्ट दे रहा है 3000 टोटल। तो दो कार्ड हम लगाएंगे, दो आई बटन में, दो कार्ड आई बटन में लगा देंगे। देखिए यहाँ पे एक लग चुका है फ्लिपकार्ट रिवर्स पॉइंट में, यहाँ पे मेरा लग गया। और एक कार्ड लगा देते हैं थोड़ा डिस्टेंस में, 2.5 मिनट के आसपास यहाँ पे लगाएंगे। अमेजन पे, अमेजन पे में इतना पैसा, इसको ऐड कर दिया और क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया। दोस्तों क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे भी एक तो अमेजन पे सेटिंग पे का ऑप्शन आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक है 1 मिनट के पास मैंने लगाया है, जहाँ पे फ्लिपकार्ट रिवर्स पॉइंट के बारे में, और 2 मिनट 30 सेकंड में मैंने लगाया है अमेजन पे यू पी आई के बारे में। तो अभी थोड़ा सिंपली इसको बैक करके प्ले करके आपको दिखाता हूँ अमेजन पे वाला आई वी बटन कैसे दिख रहा है। मिल जाएगा और आपके दोस्त को 21 रुपए मिल जाएंगे। बट यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हो, यू विल गेट 180 एंड दे विल गेट 21 इफ दे सेंड देयर फर्स्ट पेमेंट एवर 29th August एंड द पेमेंट इज सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, सक्सेसफुल पेमेंट होना चाहिए इफ दे सेंड देयर फर्स्ट पेमेंट आफ्टर 29। ठीक उसी तरह आप फेज बाई फेज लगा सकते हो, आपको जितना चाहिए उतना लगा सकते हो। आपको 0 सेकंड से शुरुआत करके 4.31 सेकंड यानी कि 4 मिनट 30 सेकंड का वीडियो आप कहीं भी लगा सकते हो और जितना चाहो उतना लगा सकते हो। मैं सिंपली दो वीडियो का लिंक लगा रहा हूँ, मुझे कैशबैक टिप्स वाले वीडियो चाहिए इसलिए मैंने दो लिंक सेट कर दिए। तो मैंने दो लिंक सेट कर दिए, आप भी ऐसे सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑल चेंजेस और यहाँ पे सेव करते हुए जाना है, और यहाँ पे सेव हो चुका है, एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश कर देने के बाद आपका जो दो कार्ड है ऐड हो गए। ठीक है, ऐड हो जाने के बाद आपको सिंपली बैक चला जाना है, आप देख सकते हो कैसे ऐड किया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे वीडियो लेके आता रहूं। और अगर आपको कुछ टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट भी करके जरूर बताना। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।